स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल कैसे क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं। देखिए ये संख्याएँ दी गई है, इसका क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहला हल करते हैं। देखिए पहला दे रहा है शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, माना ax² + bx + c = 0 एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, क्या है, शून्यक हैं। अल्फा तथा बीटा इसके शून्यक हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए अब शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इसको लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4। तो इसको लिख लेंगे 1/4, समीकरण 1। ठीक है, अब इससे हल करके a और b का मान निकालेंगे, -b/a बराबर 1/4, अतः a बराबर 4 और b बराबर -1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a। और इसका मान कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल का मान -1, ये समीकरण 2 हो गया। अभी देखिए अब इस यहाँ से c का मान निकालेंगे, c/a बराबर -1, तथा c बराबर -1 इंटू a का मान कितना दिया है, 4, तो कितना हो जाएगा -4। अब देखिए a, b और c का मान इसमें रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। लिखेंगे अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला बहुपद मान रखिए। देखिए यहाँ a, b, c का मान रखना है, देखिए a का मान कितना है 4x² प्लस b का मान कितना है, प्लस b का मान -1x प्लस c का मान कितना है, c का मान -4। तो इसको हल करिए, 4x² -x - 4। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला बहुपद 4x² -x - 4 होगा, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा हल करेंगे, दूसरा देखिए √2 माने शून्यकों का योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। तो फिर उसी तरह क्या करेंगे, माना ax² + bx + c = 0 एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, शून्यक हैं। तब देखिए शून्यकों का योगफल यहाँ से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसका मान कितना दिया है, √2 दिया है, बराबर √2, समीकरण 1। ठीक है,
अब देखिए अब इसका गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बटा ए, सूत्र से सी बटा ए। अब देखिए इसका मान कितना दिया है, एक बटा थ्री, ठीक है। अब यहाँ से सी और ए का मान निकालेंगे तो सी बाई ए बराबर वन बाई थ्री, तो सी का मान सी बराबर वन होगा और ए बराबर थ्री होगा। अब क्या करेंगे इसका मान अब इसमें रख करके बी का भी मान निकालेंगे, ठीक है। तो आता समीकरण एक से माइनस बी बटा ए बराबर टू, तो इसलिए माइनस बी बराबर अंडर रूट टू इंटू ए का मान कितना है तीन, अतः बी बराबर माइनस थ्री अंडर रूट टू। अब देखिए तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला बहुपद। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका ए बी सी का मान इस बहुपद में रख देंगे तो हमारा बहुपद आ जाएगा। तो देखिए रखिए ए का मान कितना है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है माइनस थ्री अंडर रूट टू एक्स प्लस सी का मान कितना है, सी का मान एक। तो हल करेंगे इसको, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, ये क्या है, अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम देखिए क्या करेंगे, तीसरा भी हल कर लेंगे, चौथा भी हल करेंगे, पांचवा कर लेंगे और छठवां करेंगे, बस सेम इसी तरह।